2022 व 23 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे बिलाड़ा विधानसभा में सौंप की विशिष्ट मंडी की घोषणा की। ये मंडी राजस्थान में दूसरा नंबर मंडी है, इसीलिए यहाँ किसानों को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिपाड़ के लिए 557 लाख रुपए पानी के पाइप सारे चेंज करने के लिए दिए, उसी के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूँ। और कपड़ा में नया थाना खोलने की भी घोषणा की, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूँ। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र बिलाड़ा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में बिलाड़ा व बर NS-25 के रूप में विकसित किया जाएगा, उसी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में प्रत्येक विधायक को सड़क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे और इस बार उसको बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दिए। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। ये सारे ही विधायकों के लिए कोई भेदभाव की बात नहीं, सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसा अशोक गहलोत साहब ही कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में शारीरिक शिक्षा विद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन तथा खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 25 करोड़ रुपए की राशि घोषणा की, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष चिन्ह W हब में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना प्रारंभ की, उसी के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने इस ऐतिहासिक बजट में SC-ST विकास कोष की राशि 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए की घोषणा की, इससे अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। शहरी क्षेत्रों एवं बड़े कस्बों में जरूरतमंद मजदूरों के लिए इंदिरा रसोई योजना की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 किए जाने की घोषणा की, जिससे मजदूरी करने वाले लोग, सड़कों पर रहने वाले लोग और गरीब तबके को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में भी स्कूटी संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 करने की घोषणा की, उसमें दिव्यांगों को बहुत बहुत फायदा मिलेगा। राजस्थान में अजमेर, उदयपुर, इस प्रकार की कई सिटी पहले BJP के राज में स्मार्ट सिटी की घोषणा कर दी थी, लेकिन जोधपुर के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया। सामान्य मुख्यमंत्री महोदय ने जोधपुर संभाग को स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित करके बहुत बड़ा लोगों को राहत देने की घोषणा की, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार। सैनिक कल्याण भवन हेतु 20 करोड़ की घोषणा भी की। सबसे बड़ा तोहफा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया, उसके लिए कर्मचारी आज भी नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं और खुशी का माहौल पूरे घर घर में है, जिसमें 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात जो नियुक्ति की समस्त कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना जो लागू की, उसके लिए बहुत ही बहुत आभार। और आज करीब सप्ताह भर हो गया मुख्यमंत्री जी के वहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है बधाई देने के लिए। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान का सपना साकार करने के लिए प्रदेश का पहला ऐतिहासिक कृषि बजट में आधुनिक खेती से कृषकों की आय एवं आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी के लिए 5000 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना प्रारंभ करने की जो घोषणा की, उसे किसानों में बहुत खुशी है और खुशी का माहौल है। राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, तारबंदी में जो पहले समूह के रूप में तारबंदी
दी जाती थी जिसमें तीन लोग होते थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हटा करके इंडिविजुअल तारबंदी ले सकता है, करा सकता है, उसके लिए किसानों में खुशी का माहौल है। ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना में भी किसानों को राहत मिली है, उसके लिए भी किसान आमाद है, खुशी है और माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। दुग्ध उत्पादनों को प्रोत्साहित करने के लिए पिछली भाजपा सरकार आई उस समय उनके पहले मुख्यमंत्री जी ने 2 रुपये प्रति लीटर दिए हुए थे। भाजपा सरकार ने घोषणा की थी कि हम 2 रुपये के 4 रुपये कर देंगे, 2 रुपये ही बंद कर दिए। की सरकार आई तो 2 रुपये के 5 रुपये कर दिए, इसे किसानों को बहुत बहुत राहत मिली और किसान इसमें हर्ष उल्लास के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी किसानों को राहत मिली है। श्रीमान, मैं कुछ मांगे मेरे बिलाड़ा विधानसभा के लिए करना चाहता हूँ। श्रीमान, ग्राम पंचायत जालेडी फौजदार में जिला स्तरीय प्रशासन गांवों के संघ में आपकी मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में ग्रामीणों ने मांग रखी थी कि दांतीवाड़ा प्रोजेक्ट की मेन पानी पाइप लाइन जो मानग्राव से आ रही है, इस पाइप लाइन के बीच में ग्राम देवड़िया पड़ता है, यहाँ से जालेडी फौजदार तक बड़ी पाइपलाइन जोड़कर जालेडी फौजदार में पानी का बड़ा हौद बनाकर कुल 16 गांव जालेडी फौजदार, जालेडी अंचा, कानावास का पाना, बासनी निकुबा, आनंद नगर, काकेलाव, पितावास, रुड़कली, जालेडी चंपावता, फिटकासनी, जम्बेश्वर नगर, काकेलाव, जाटियाव, डोलिया, खंगार, बापू नगर, रसीदा, फिटकांडी को मीठा पानी देने की जो स्कीम बना करके पीएसडी के अफसरों ने सम्माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन गांवों को पानी पिलाकर राहत दें। नगरपालिका बिलाड़ा में खारा पानी आ रहा है और खारा पानी पिलाया जाता है, जबकि हाल ही में सोजत बिली भी इसकी मीठा पानी पिलाने की कर दी गई है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि बिलाड़ा में मीठा पानी पिलाएँ ताकि लोगों को बीमारी नहीं हो, इसके लिए भी मैं निवेदन कर रहा हूं। नगरपालिका बिलाड़ा में सिविल लाइन बिछाने का कार्य इस बजट में शामिल करावें। नगरपालिका पिपाड़ शहर में सिविल लाइन बिछाने का कार्य बजट में शामिल करावें। पिपाड़ शहर में सीडीपीओ कार्यालय की स्वीकृति प्रदान करावें। सीडीपीओ कार्यालय यहाँ से भोपालगढ़ चला गया, इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि ये पिपाड़ शहर में खोलने की कृपा करें। उसके बाद में हमारे 11 गांव जो खारिया मीठापुर, उदलियावास, पिचियाग, जसवंतपुरा, बड़ी कल्ला, बिजासनी, जेलवा, खारिया मीठापुर, बींजवाड़िया, हर्ष और बरना, ये गांव बिलाड़ा के सीमा में चले गए हैं, जो इनको मतलब जो है पेरीफेरी में ले लिया गया है बिलाड़ा की नगर पालिका में, तो मैं निवेदन करूंगा कि इनको पेरीफेरी से हटा करके ताकि ये जो रेवेन्यू ग्राम है ये अपने आप में विकास कर सके। नहीं तो क्या है कि अभी नगर पालिका जो भी इसमें इनकम होती है इन गांवों में वो नगर पालिका लेती है, इसीलिए इन राजस्व ग्रामों का विकास नहीं हो सकता। तो मैं माननीय आपके जरिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो इन गांवों को इस सीमा से, बिलाड़ा नगर पालिका की सीमा से बाहर निकालें। उसके बाद में समाप्त करें, डांगियावास में, बुचकला में व कोकुंडा में पीएससी खोलने व डांगियावास में उप तहसील खोलने की कृपा करवाएं। भावी भटिंडा, बिसलपुर, खेजला में सीएससी खोलने की मांग करता हूं। फिटकासनी में महिला कॉलेज खोलने की मांग करता हूं। बोरुंदा में आदर्श सीएससी चालू करने व थाना बनाने का बजट अलॉट करने की मांग करता हूं। कापड़ा में उप तहसील बनाने व पीएससी बनाने की मांग करता हूं। बिलाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की मांग करता हूँ। वहाँ पे 80 बीघा जमीन जो है वो एग्रीकल्चर की पड़ी हुई है, इसीलिए एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की मांग करता हूँ। पलासनी में असामाजिक तत्वों का हमेशा बोलबाला रहता है, इसीलिए पुलिस चौकी खोलने की मांग करता हूं। जैतीवास में 33 KV जीएसएस खोलने की मांग करता हूं। लांबा पंचायत में स्टेडियम बनवाने की मांग करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।